लेकिन वो झिंटू के दांतों के अंदर है और वहाँ बहुत जर्म्स है। मैं उसे लड़ रहा हूँ। जर्म्स को मारने का सबसे अच्छा तरीका है किसी अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो। हाँ दादाजी, चुलबुल मैं झिंटू से टूथपेस्ट लेकर आता हूँ। कहाँ चले गए मुझे इन शैतानों के बीच अकेला छोड़कर? वीर, वीर। काम हो गया। जिंटू, तुम्हारे दांतों में बहुत जर्म्स है। रोज सुबह और रात में ब्रश करना जरूरी है, फिर एक भी जर्म्स नहीं होगा। दादाजी, चिप मिल गई है। जल्दी आओ, मंत्री जी रिबन काटने ही वाले हैं। दादाजी एक मिनट। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं मंत्री जी के बगल में खड़ा रहूंगा, आप मुझे टीवी पर देखना। जिंटू, जल्दी से हमें दादाजी के पास ले चलो। अभी लो चुटकी बजा के। ये कैसे हो गया? ये क्या जादू है? उप्स, सॉरी बंटी। ये भी कोई तरीका हुआ आने का? दादाजी, ये जिंटू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। चलिए देखते हैं वो आदमी कौन है। दादाजी, इसका नाम टाइगर है। उसका नंबर, एड्रेस सब कुछ है इसमें। चारों तरफ देखिए, वो यही कहीं होगा। जी, मैं उसे फोन करता हूँ। हर तरफ नजर रखिए और देखिए कौन फोन पर बात कर रहा है। अब मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता। बाय बाय। वो देखो, वो प्लेन्स किसके हैं? इमली चुलबुल, जल्दी छुप जाओ। वीर, वो प्लेन्स वापस आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं उन प्लेन्स से टक्कर लेने के लिए अपने प्लेन्स को ठीक कर रहा हूँ। तो तुम्हारे प्लेन्स में भी लेजर बीम्स हैं। चलो, आज किसी से टक्कर का मुकाबला होगा। अब आया ना मजा। चुलबुल, तुम लोग छुपे रहो, मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जो ये प्लेन्स कंट्रोल कर रहा है। पहली बार मेरे प्लेन्स को किसी ने गिराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बॉस, बॉस, वीर जीत रहा है। उसने चालाक पायलट के चार प्लेन गिरा दिए हैं। लेकिन अभी हमारे पास और बहुत सारे प्लेन्स हैं। अब आएगा मजा। बॉस, बॉस, हम जीत रहे हैं। बॉस, वीर के प्लेन को गिरा दिया है, अब वीर की बारी है।
आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें देते रहो। वीर, वो तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, भागो। स्विंग सूट ऑन, स्विंग सूट ऑन। कैसे रुका हुआ है ये, कैसा चमत्कार है वो देखो, किसी लड़के ने हमें रोका हुआ है। कैसे रेस फेंक रहा है वो क्या है? माइक्रोफोन ऑन, माइक्रोफोन ऑन। पायलट सर, यूज योर बैकअप बैटरीज फास्ट, मेरे पास टाइम कम है। ओके, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, जो भी हो हमारे लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत हो। मैं बैकअप बैटरी को एक्टिवेट करता हूँ। करोगे तुम? उस हेलीकॉप्टर को संभालो और मैं धीरे धीरे तुम्हारी सारी पावर सक कर लेता हूँ। कहाँ हो तुम? जिंटू, जिंटू जल्दी आओ। क्या हुआ चुलबुल? मैं चाट खा रहा था, तुमने मुझे बीच में ही बुला लिया। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओ, मैं तो चाट खा रहा था। चिंटू, इसे तो चाट की दुकान से लाना होगा। मैं दादाजी को। सुबह मिलते हैं। मैं भी जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट इमली। चिंटू, तुम्हारा वीर कितना चकचक करता है। ये मत करो, वो मत करो, आज मैंने उसे मीनार से उल्टा लटका दिया, अब वो कभी मुझे किसी जादू के लिए मना नहीं करेगा। पिंटू प्लीज, अब तो मुझे बाहर आने दो। अभी नहीं, कल सुबह हम बहुत बड़े होटल में खाना खाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तुम जिंदगी भर यहीं बंद रहो। जिंटू, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ, रुको। वीर, ओ मैं तुम्हें देखके कितना खुश हूँ। वीर, बॉटल को जोर जोर से रगड़ो, मैं बाहर आ जाऊंगा। ओके। आज मैं उस पिंटू को नहीं छोड़ूंगा। पिंटू! आज फैसला हो
हो ही जाए कि यहाँ कौन रहेगा। जो जीता वो धरती पे रहेगा और जो हारा वो वापस जिंदिस्तान में जाएगा। हाँ मुझे मंजूर है। तुम दोनों यहाँ जादू का इस्तेमाल करोगे तो दुनिया देखेगी, कहीं और चलो। अभी लो। देखो मैं क्या करता हूँ। हम नहीं खेल सकते, पैरों में बहुत चोट लगी है। बंटी बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें वीर को टीम में रख लेना चाहिए। अब तुम्हारे पास प्लेयर्स ही नहीं बचे हैं। हाँ बंटी, वीर को रख लो, फुर्सतगंज की इज्जत का सवाल है। चल आ जा। वो मुझे खेलने बुला रहा है। वो मुझे खेलने बुला रहा है।
तुमको नहीं वीर को बुला रहा था। ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, वो प्लेयर्स इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे, गोल करने के बाद भी खुशी से नहीं चिल्लाते, एकदम रोबोट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। जरा आसपास ध्यान दो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ओके वीर। को डायरेक्ट कमांड देना होगा। जाओ मेरे खिलाड़ियों, आज वीर को उठा के बॉस के पास ले चलो। जिंटू, मुझे अब रोबोटिक पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। कुछ देर के लिए फुर्सतगंज और फालतूगंज के लोगों को फ्रीज कर दो। सिर्फ इमली और चुलबुल को फ्रीज मत करना। अभी लो चुटकी बजा के, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम।